क्यों ये कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि जैसे एक साजिश थी हमारी हुकूमत को बर्खास्त करने के लिए, और इस टोले को जिसका कोई नजरियाती रब्त नहीं है कौम पर मुसल्लत करने की साजिश की गई, इस तरह एक और साजिश घड़ी जा रही है कि इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाए और पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए। इतने खाइफ हो गए हैं ये आपसे, इतने डर गए हैं। 3.5 साल क्या यही ही नून लीग इलेक्शनों का मुतालबा नहीं करती रही? बताओ, करती रही कि नहीं करती रही? कहते थे ये तो सिलेक्टेड हैं, इनका तो मैंडेट जो है वो जाली है, जाली असेंबली है। तो हमने कहा चले आओ ये मैदान, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आज इलेक्शनों से पीटीआई कतरा रही है या पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये टोला कतरा रहा है? चोरों का टोला। ये इसलिए कतरा रहे हैं कि अवाम ने अभी इलेक्शनों से पहले इनको आईना दिखा दिया है, और अब जो इनको रिपोर्टें मिल रही हैं उन रिपोर्टों के मुताबिक इनका जो ख्याल था कि नून लीग की टिकट के लिए पंजाब में लाइनें लग जाएंगी, पीपल्स पार्टी की टिकट के लिए सिंध में लाइनें लग जाएंगी, लिख लो इस फकीर की बात, इंशाल्लाह इलेक्शन 3 महीने में होता है या 6 महीने में होता है, आवाम फैसला कर चुकी है, अगली बारी फिर न्याजी, अगली बारी फिर न्याजी, अगली बारी फिर न्याजी। इसलिए कि लोग इनका नाटक समझ गए हैं, ये जो खेल खेला गया है उसकी तह तक पहुंच गए हैं।